बढ़ते हैं आगे, जहां जोधपुर के सेंट पैट्रिक स्कूल में लगभग 15 बुजुर्गों के आतिथ्य में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है। ये सभी बुजुर्ग एक वृद्ध आश्रम में रहते हैं। बच्चे भी बुजुर्गों को अपने दादा दादी के रूप में सम्मान देते नजर आए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिन्हें देखकर बुजुर्गों को काफी खुशी हुई और सभी ने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। दीपावली के स्नेहमिलन समारोह का मौका और जोधपुर की सेंट पैट्रिक स्कूल नवाचार नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जोधपुर की सेंट पैट्रिक स्कूल के अंदर जो अतिथि हैं वो बुजुर्ग हैं, समाज के वो लोग हैं जो दिशा देते हैं, दशा देते हैं। और कहने की ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्कूल के अंदर मुख्य अतिथि न तो कलेक्टर है, न SP है, न DIG है, न कोई MLA है, न कोई MP है, मुख्य अतिथि के रूप में है। तो ये और आप देखिए हमारी बेटियां किस तरीके से जो इनका अभिनंदन कर रही है, दीपावली स्नेहमिलन पर जिस तरीके से पैर छू करके आशीर्वाद दे रही है, ये संस्कृति है, ये संस्कार है जो आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं देखने को मिलता। मतलब सेंट पैट्रिक स्कूल के अंदर प्रबंध ने जिस तरीके से ये साकार करके दिखाया, ये बुजुर्ग भी कोई सामान्य बुजुर्ग ये वो बिरले बुजुर्ग हैं जो वृद्धाश्रम में रहते हैं और उनको जिस का प्रेम स्नेह अपने तो यहाँ मिल रहा है, ये अपने आप उनकी बात हुई। यहाँ की प्रिंसिपल हमारे साथ कैसा लगता है कि आपने एक नवाचार किया है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारा स्पेशल गेस्ट है आज के लिए और उनको देखकर हम खुश हैं क्योंकि हम उनके पास गए थे पर आज इनको इधर बुला के हमारी खुशी बढ़ गई है। मतलब क्योंकि आज दिवाली है ना, हमको भी उनको एक खुशी का त्यौहार है तो उनके साथ मानना चाहते हैं। देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्यारे मेरे बच्चों का इस संसार जो है इन बुजुर्गों को अच्छा लग रहा है, इन बुजुर्गों से और बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों से बात करते हैं, कैसा लगता है आप स्कूल के अंदर जो आप बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर गेस्ट के रूप में आए हैं? और कैसा लगता है कि दीपावली का स्नेह मिलन आप इनके साथ मना रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये जो शख्स है बुजुर्ग, इनको कोई जानता तक नहीं है लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि वो उनके लिए बुजुर्ग हैं, उनके दादा दादी ही हैं और उनसे कम नहीं है। और आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बुजुर्ग आए हैं, बैठे हैं, उनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इस त्यौहार का जो आनंद है सही मायने में, कैसा लगता है कि जिस तरीके से ये त्यौहार आप लोग इन बच्चों के साथ आज आप गेस्ट हैं यहाँ पर? जिंदगी में पहली बार ही देखा था मैंने, ऐसा बहुत खुशी हो रही है, ऐसा एक तरह का स्वर्ग लग रहा था। जब स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं, यहाँ देख के स्वर्ग लग रहा है। हमारे यहाँ की संस्कृति है, हमारे यहाँ के जो संस्कार है, ये उसी का नतीजा है कि सेंट स्कूल के अंदर आज वो बुजुर्ग आए जिनका दुनिया में कोई नहीं, और दीपावली की खुशियाँ हैं इन बच्चों के साथ जब बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं संस्कार का ये अनुभव धर्म होता है। श्री के साथ राज और तो